नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मेरा नाम मिश्र, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में आई जिला स्तर की एक नई बहाली के बारे में। दोस्तों बिहार में जो जिला स्तर पर एक नई वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है, बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से आप लोगों का जो नई बहाली है वो यहाँ पे निकल के आई हुई है। इसमें जो आप लोग का पद रहने वाला है दोस्तों, वो आप लोग का यहाँ पे आया का पद रहने वाला है, यहाँ पे नर्स का पद रहने वाला है और चौकीदार का पद रहने वाला है, और इसी तरीके का आप लोग का कुछ और जो पोस्ट है वो आप लोग का यहाँ पे रहने वाला है। इसके लिए जो आप लोग का आवेदन है वो भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। क्या आप लोग का क्वालिफिकेशन रहने वाला है, किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है, कहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने माचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनसे डेट कर सकते माचल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते अपना आज के वीडियो। तो बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई बहाली के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में टाइप करना है YTDC। आप यहां पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है। उसको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन देख पाओगे और सरकारी योजना और लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जॉब में आप लोग को चेक करना है बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई वैकेंसी 2023 जिला बाल संरक्षण इकाई भर्ती, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग को पोस्ट नहीं मिलता है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देखने को मिल जाएगा वहां से क्लिक करके भी आप जो इस पोस्ट पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे करना है, यहाँ पे मैंने जो बहुत सारी जानकारी दे रखा है आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट आप लोग का बताया गया है, तो आप लोग का जो आवेदन है वो यहाँ पे जो है 15/12/2022 से यहाँ पे शुरू होने वाला है और इसका जो लास्ट डेट है वो जो है आप लोग का 31/1/2023 यहाँ पे रखा गया, यानी कि 31 जनवरी तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। फिर आप लोग का आवेदन प्रक्रिया बताया गया, तो यहाँ पे ऑफलाइन आप लोग का आवेदन होने वाला है, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे नहीं होने वाला है। नीचे आप लोग का पोस्ट के बारे में जानकारी दिया गया, आप नीचे की जगह तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया, एज लिमिट बताया गया, नीचे डॉक्यूमेंट बताया गया, पे स्केल कितना आप लोग का सैलरी रहने वाला है, और सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखोगे फॉर फॉर्म डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप जो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे क्लिक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो यहाँ पे पीडीएफ है वो आप लोग का ओपन हो जाएगा, जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिस है वो कुछ इस तरीके से आप लोग यहां पे ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देख पाओ दोस्तों, ये जो आप लोग का बहाली है वो कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई शेखपुरा के तरफ से यहां पे निकाला गया है, यानी कि शेखपुरा जिले में जो है आप लोग यहां पे ये बहाली आया हुआ है। यहां पे जो है अलग अलग आप लोग का 6 प्रकार का पद रहने वाला है, यानी कि 6 तरीके का यहां पे जो पद है वो आप लोग का रहने वाला है। सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोग का पोस्ट है दोस्तों, वो आप लोग का मैनेजर कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे पद रहने वाला है, जिसमें कि एक पोस्ट रखा गया है। एज लिमिट आप लोग का 25 से 55 वर्ष यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग का स्नातकोत्तर यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि पीजी अगर आप किए हुए हैं साइकोलॉजी से सोशोलॉजी से तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मानदेय जो है 17,500 रुपए आप लोग को मिलने वाला है, यानी कि सैलरी जो है वो 17,500 रुपए आप लोग का मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का बता दो कि सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ पे जो पद है वो आप लोग का रखा गया, जिसको यहाँ पे चाइल्ड एडुकेटर भी यहाँ पे बोला जाता है। इसमें एक पोस्ट है 25 से 55 वर्ष आप लोग यहाँ पे लिमिट रहने वाला है। इसमें आप लोग का स्नातक मांगा गया है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आप लोग का साइकोलॉजी सोशियोलॉजी से होना चाहिए तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का मानदेय, आप लोग का जो मानदेय वो 14,000 रुपए यहां पे रहने वाला है, यानी कि 14,000 रुपए आप लोग का जो सैलरी है वो यहां पे रहने वाला है। उसके बाद आप लोग का थर्ड जो यहां पे पोस्ट है दोस्तों, वो आप लोग का नर्स का पद रहने वाला है, जिसमें कि एक पद आप लोग का रखा गया है और यहां पे जो 25 से 55 वर्ष आप लोग का एज लिमिट रखा गया है, यानी कि जो मिनिमम यहां पे आप लोग का एज रहेगा वो 25 वर्ष रहेगा और मैक्सिमम 55 साल यहां पे रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग का ANM मांगा गया है, अगर आप ANM किए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 9,000 रुपए आप लोग का सैलरी रहने वाला है। फिर आप लोग का डॉक्टर जो है ये पार्ट टाइम के लिए, ये MBBS के लिए आप लोग का रहने वाला है, इसमें आप लोग का एक पोस्ट रखा गया है। फिर आप लोग का आया का पद है, यानी कि यहाँ पे जो काम करने वाली आया होती है उनका यहाँ पे आप लोग का पद रखा गया है, जिसमें कि आप लोग का 6 पोस्ट रखा गया, यानी कि 6 पद पर आप लोग का बहाली होने वाला है। इसमें अगर आप सिर्फ 8वीं पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और 6,000 रुपए आप लोग का सैलरी रहने वाला है। फिर आप लोग का चौकीदार का पद है, इसमें जो है आप लोग का एक पोस्ट रखा गया है, इसमें आप लोग का 10वीं पास, यानी कि अगर आप मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार से होगा दोस्तों, वो आप लोग आपने बताया कि यहाँ पे आप लोग का बताया कि उक्त पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, शेखपुरा जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अगर आप शेखपुरा जिले के निवासी हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप किसी अन्य जिले से हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आसपास के किसी जिले से हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। फिर आप लोग का बता दो कि आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, यानी कि एक फोटोकॉपी जो है आप लोग को सिग्नेचर करके यहाँ पर लगाना होगा। यहाँ पे आप लोग का बताया कि वंचित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आप लोग का एजुकेशन का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होगा वो आप लोग वहां पे लगा
लगाना होगा, आवासीय लगाना होगा, आचरण प्रमाण पत्र लगाना होगा, उसके बाद आयु संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा, और उसके बाद सभी को आप लोग को जो है एक निबंधित डाक के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों का पता बताया गया है कि आवेदन पत्र भेजने का पता सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई शेखपुरा निखिल कैंपस यूनियन बैंक के बगल में समाहरणालय के सामने, तो यहाँ पे आप लोग को सेंड करना होगा। इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, सारा डॉक्यूमेंट लगाकर आप लोग को यहाँ पे सेंड कर देना है। नीचे आप लोगों का आवेदन फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसी फॉर्म को आपको प्रिंट करना और इसी को भरकर जो है आप लोग को यहाँ पे सेंड करना होगा। तो इस तरीके से आप लोग का जिला बाल संरक्षण इकाई में जो है बहाली आया हुआ है। अगर आप शेखपुरा के आसपास के जिले से हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप शेखपुरा जिले के निवासी हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ज्यादा चांस आप लोग का हो जाएगा कि आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बहाली आया हुआ है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गरीब वीडियो तो लाइक किस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही शेयर किस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।